इंश्योरेंस करने वाले भी गजब डाते हैं, जो एक जिंदा आदमी को मरने के फायदे गिनाते हैं। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो लेते सब हैं, बट किसी को पता इसके बारे में कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है कि जिसके पास जितने ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको उसके बारे में उतनी कम नॉलेज। बेटे की पढ़ाई हो या बेटी की शादी, खुद का घर बनाना हो या भैया रिटायरमेंट का फंड, हर चीज के लिए मिडिल क्लास आदमी के पास एक ही आंसर है, पॉलिसी। लेकिन क्या ये सही है? ये इतनी पॉलिसी लेके आप कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल गलती तो नहीं कर रहे? अरे आपके दादाजी ने बहुत पॉलिसी ली, पिताजी ने बहुत पॉलिसी ली, आप भी ले रहे हो, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा असर क्यों नहीं आ रहा? अरे कहीं ये पॉलिसी बैठ के आपको गरीब तो नहीं बना रही? अरे हर आदमी का कोई न कोई यार, दोस्त, रिश्तेदार इंश्योरेंस का एजेंट होता है, और जिसका नहीं होता वो बैंक जाता है तो कोई ना कोई उसको पकड़ के बैठा लेता है। अरे भाई जो तुमको एक घंटा बैठा के समझाएगा पॉलिसी ले लो पॉलिसी ले लो, उसमें फायदा तो होगा ही, पर तुम्हारा या उसका ये शोध का विषय है। भारत में 70% परिवार अपनी गरीबी से सिर्फ एक एक्सीडेंट दूर है। एक एक्सीडेंट या एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, 70% परिवार गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे, क्योंकि लोगों को सही टाइप का इंश्योरेंस नहीं पता कि कौन सा इंश्योरेंस लेना है, और लेना है तो कितने अमाउंट का लेना है। तो अगर आपने भाई साहब कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो ये वीडियो अंत तक देखना, आपको पता पड़ेगा आपने सही ली है कि गलत ली है। और अगर आप लेने वाले हो तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ट्रैफिक में खड़े हो तो गाड़ी साइड में लगा के सुनो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंश्योरेंस के फील्ड में जितनी भी स्कैम होते हैं, जितनी भी गड़बड़ होती है, और जितना आपको बेवकूफ बनाया जाता है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। एक तो होता है बुलेट प्रूफ, ये वीडियो है बेवकूफ प्रूफ। तो कौन सा इंश्योरेंस लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कितने अमाउंट का लेना है, कैसे लेना है, सब बताएगा तेरा राहुल। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज ना के बराबर है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, कॉलेज में बताया नहीं जाता, और घर में जब भी पैसे का डिस्कशन हो रहा होता है और बच्चा बगल से गुजरता है तो घर वाले कहते हैं अरे रे बेटा बाहर जाओ, पढ़ो पढ़ो, खेलो खेलो। वैसे उस बच्चे को आप खेलना पढ़ना छोड़ के आपके पास बिठा भी लोगे तो ज्यादा कुछ सिखा नहीं पाओगे, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो कौन सा सही है। तो होता यूं है कि हर परिवार में कोई ना कोई यार रिश्तेदार संडे के दिन कचोरी जलेबी लेके सुबह सुबह आपके घर आ जाता है, और दिन भर बैठ के आपको मरने के फायदे बताता है, और एक पॉलिसी चिपका के चला जाता है। अब ऐसी पॉलिसी में किसका ज्यादा फायदा होगा, आपका या उसका, ये कमेंट में बताओ मुझे। भाई कचोरी जलेबी के पैसे भी तो वसूलेगा वो। और जिन खरबूजों के घर ये छुरी नहीं पहुंची है, वो खरबूजे बैंक चले जाते हैं छुरी से कटवाने के लिए, और वहां टारगेट के प्रेशर में कोई ना कोई काट देता है। बैंक अकाउंट खुलाने जाओ और इसके साथ इंश्योरेंस करा लो, बैंक अकाउंट बंद कराने जाओ और इसके साथ इंश्योरेंस करा लो, अरे होम लोन ले रहे हो और इसके साथ ये करा लो, कहीं ना कहीं चिपकाएगा ही भाई साहब। हाँ जी मैंने बहुत जगह इन्वेस्ट कर रखा है, डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग जगह करता हूं मैं, सब कुछ एक जगह नहीं डालता। अरे दादा सब कुछ एक ही जगह डाला है, नाम बदल बदल के। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसी समय वीडियो को लाइक करो, मैं लाइक की संख्या गिन के पता लगाऊंगा कितने ज्यादा इंश्योरेंस से बीमार बैठे हैं। बहुत हो गई बातें कि क्या नहीं करना नहीं करना नहीं करना, अब अपन बात करते हैं क्या करना है। तो एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक ही बात कह गए, नेवर मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, इन दोनों को मिक्स करके जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं करना। अब ये दोनों क्या होते हैं, कैसे करते हैं, ढंग से समझाता हूँ आपको। मेरे अभी तक के 2-5 मिनट के वीडियो से लगा होगा कि राहुल जी इंश्योरेंस के खिलाफ है, इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहिए, ऐसा कतई नहीं है भाई साहब। मैं कहता हूं इंश्योरेंस सबको कराना चाहिए, जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बट बात यह ध्यान रखनी कि कौन सा वाला करवाना है और कितना करवाना है। इस बात को पत्थर पे लकीर की तरह छाप लो। जीवन में 2 इंश्योरेंस है जो अपने लाइफ के लिए सुपर काम के हैं, टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस, बाकी सब मोह माया है, लूट है, धोखा है। अब इन दोनों इंश्योरेंस की, टर्म प्लान की, मेडिक्लेम की क्या इंपॉर्टेंस है, किसको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, यह भी डिस्कस करूंगा, और इसके बाद मैं बताऊंगा कौन सी पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए और वो पॉलिसी किस प्रकार आपको गरीब बना रही है, और जो इन्वेस्टमेंट वाले प्लान है ना कि ऐसे करके ये हो गया तो वो मिलेगा, ये क्यों नहीं लेना चाहिए और कैसे गरीब कर रहा है, डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, बचाओ। किससे बचाओ? रिस्क से, कि कल को कोई अनहोनी घटना घट जाए तो उसका बहुत बड़ा असर हम पे ना है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन जनरल इंश्योरेंस में कराते हैं कि भाई गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, कार का इंश्योरेंस, कि भैया कार अच्छी भली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कल को एक्सीडेंट ना हो जाए, कल को भाई साहब चोरी ना हो जाए, तो इंश्योरेंस करवा लिया, कल को कोई दिक्कत होगी तो भैया हमारी ये जो इन दोनों रिस्क से हम बचे हुए हैं। तो ये तो गाड़ी, बाइक, फायर, इनमें ये होता है। लाइफ में आपके साथ क्या गलत हो सकता है बताओ भाई साहब? जब तक मैं जिंदा हूं
जब तक मैं स्वस्थ हूँ तब तक तो मैं मस्त पैसे कमाऊंगा, उस पैसे को खर्च करूंगा, जो बचेंगे उसको इन्वेस्ट करूंगा और मेरा भविष्य सिक्योर करूंगा। लेकिन मैं कमा ही नहीं पाया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरी बीमारी हो गई तो और मैं मर ही गया तो फिर पीछे से क्या होगा। इस जोखिम से बचने के लिए ये दोनों इंश्योरेंस कराए जाते हैं। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है मेडिक्लेम इंश्योरेंस, जो हर व्यक्ति को जो वीडियो सुन रहा है अगर अभी तक आपने नहीं लिया है, वीडियो खत्म होते ही सबसे पहला काम करना मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेना। मेडिक्लेम इंश्योरेंस का मतलब है कि भैया मुझे अगर कोई बीमारी हो जाए या मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए और मेरी जिंदगी में एक हॉस्पिटल का मोटा बिल आ जाए तो भैया उसकी टेंशन मुझे ना हो, पीछे से इंश्योरेंस कंपनी उसको सब कवर कर ले। एक सर्वे के अनुसार भारत के 70% लोग ऐसे हैं जो कि अगर एक बीमारी आ गई उनके घर में या एक एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत गरीबी में आ जाएंगे, तुरंत जितनी भी पड़ी सेविंग है सब खत्म और कर्जे में डूब जाएंगे। भारत में मेडिक्लेम इंश्योरेंस की क्या हालत है आप इस फैक्ट से समझना, और लोग कितना अमाउंट लेते हैं इसको इस बात से समझना कि अमेरिका में अगर किसी की बीमारी होती है और हॉस्पिटल का बिल आता है 11% वो अपनी जेब से देता है, 89% इंश्योरेंस कंपनी देती है। अगर यही चीज चाइना में हो जाती है तो चाइना वाला 28 रुपए जेब से देता है, 72 रुपए उसको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है। इंडिया में बताऊं ये रेशियो क्या है, इंडिया में जेब से देने पड़ते हैं 63 रुपए, मात्र 37 रुपए का कवर मिलता है। ये क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करवा ही नहीं रखा या करवा रखा है तो बहुत छोटा सा करा रखा है। 10 दिन का अगर हॉस्पिटल का बिल है 2 दिन में कब पूरा हो जाता है, 8 दिन का जेब से लगाना पड़ता है। क्लियर है? मेडिक्लेम लेना ही लेना है, कितना लेना है कैसे लेना है आगे बात करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस जो सबको लेना चाहिए वो है टर्म प्लान। टर्म प्लान का मतलब भैया मैं जब तक जिंदा हूं तब स्वस्थ हूं तब तक तो कोई टेंशन नहीं है, पर अगर मैं मर गया तो पीछे से क्या होगा भाई साहब, इस बात की जो जोखिम की गारंटी लेता है वो है टर्म प्लान। इस वीडियो को हर उम्र के हर तरह के लोग देख रहे हैं, अब बोले राहुल जी का टर्म प्लान हमको सबको लेना चाहिए क्या? हाँ जी, ध्यान से सुनो किसको लेना चाहिए। अगर आप पे कोई भी व्यक्ति डिपेंडेंट है, आपने कहा सर आप 11-12 साल के 13-14 साल के बच्चे हो, आप पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो आप नहीं लोगे तो भैया चलता है, लेकिन आपकी उम्र है 20 साल, 21 साल, 18 साल, आपके माता पिता आप पे डिपेंड करते हैं या आपकी शादी हो चुकी है और आपके बच्चे आप पे डिपेंड करते हैं, वाइफ डिपेंड करती है, तो आपको तुरंत टर्म प्लान ले लेना चाहिए। दूसरा उस व्यक्ति को लेना चाहिए जिसपे किसी प्रकार की लायबिलिटी हो, कि कर्जा लेके मर जा अगर ऐसा हो गया तो पीछे घर वालों को देना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को जो आप पे वैसे डिपेंडेंट थे, आप तो हो भी नहीं और पीछे से भैया लोन और चुका है आपके या आपके घर वाले, तो भैया अगर आप पे कार लोन, पर्सनल लोन, कोई भी लोन लेके बैठे हो तो टर्म लोन आपके लिए लेना कंपलसरी है। इतना लेके चलना कि अपने जाने के बाद से जितना लोन हो वो पूरा कवर हो जाए और 10-20 साल तक परिवार वालों को पैसे टके की कोई दिक्कत ना आए। वैसे इंश्योरेंस कंपनियां जितना आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हो उसका 20 से 25 गुना का कवर देती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर जी मैं कमाता तो 2 लाख रुपए हूं और मुझे 200 करोड़ का टर्म प्लान दे दो, वो ऐसा नहीं होता भाई साहब। और ऐसा नहीं एक बार आपने करा लिया, अरे राहुल जी 1 करोड़ करा लूंगा, बहुत होता है 1 करोड़, हो सकता है आज आपके लिए बहुत हो, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो जैसे आपको मौका पड़ता रहे इसको धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाते भी रहना है। टर्म प्लान होता है बहुत ज्यादा सस्ता। टर्म प्लान का अगर आप policybazaar.com की वेबसाइट पर जाके देखोगे, इसके जो प्लान है 1 करोड़ रुपए का प्लान है वो 525 रुपए महीने से चालू होता है। 525 जो एकदम बहुत अर्ली एज में 20-22 साल की उम्र में लेता है उसके लिए चीजें होती है कुछ राइडर वाइडर का के, बट आपके लिए 500 नहीं होगा, 1000 होगा, 1500 होगा, ये बहुत बड़ा लाखों का खेल नहीं है। एक और इसकी ब्यूटी है, एक बार आपने जो फिक्स कर दिया फिर ये बढ़ता और नहीं है। मान लो आपने 24 साल की उम्र में ले लिया कि मैं 85 साल तक का ले रहा हूं और 51 साल का प्रीमियम ले लिया, और 24 साल की उम्र में आपने प्रीमियम चालू हुआ आपका कि महीने के मैं भैया 2000 रुपए देता हूं, तो ये 2000 रुपए महीने का जो आपने फिक्स किया है ये आपके अगले 51 साल तक 2000 ही रहना है, तो धीरे धीरे 2000 रुपए की वैल्यू तो कम होगी, अभी तो पता ही नहीं पड़ेगा, तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है, प्रॉब्लम मैं इसको बोल रहा हूं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, लेकिन इसमें ये कमी है और इस कमी का फायदा उठा के आपको दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसियां बेच दी जाती है। वो कमी क्या है, ये है कार इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस जैसा, कि भैया गाड़ी तुम्हारी ठुकी तो क्लेम मिलेगा, गाड़ी चोरी हुई तो क्लेम मिलेगा, नहीं तो उस साल का प्रीमियम बर्बाद। अब ये 0 सुन के ना आदमी का दिमाग आउट हो जाता है, अरे यार मैं तो मरा ही नहीं मेरे पैसे ही लग गए, अरे यार मेरे कैंसर ही नहीं हुआ मेरे पैसे लग गए, साला एक्सीडेंट क्यों नहीं हो रहा मेरे पैसे ही लग गए। इसमें कमाई एजेंट की बहुत ज्यादा कम है, आपको तो फायदा ही फायदा है लेकिन एजेंट की कमाई कम है। एजेंट बोलता है यार ये जो बंदा 1000-2000 रुपए महीने का प्रीमियम दे रहा है इसमें कंपनी क्या ही दे देगी, शुरुआत में पहले साल 30-35% दे देगी, ठीक है दूसरे साल 2-3% मिलेगा, और इतना सा तो अमाउंट है क्या फायदा है,
फायदा इंश्योरेंस का आएगा जब प्रीमियम आपका जाए 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए, तब उसका मोटा कमीशन बनेगा ना। तो वो कहता है यार ये छोटी वाली पॉलिसी नहीं बेचेंगे, बड़ी वाली बेचेंगे। और फिर वो आपके पास आता है कि भाई 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 सुन, मर गया तो फायदा है, पर जिंदा रह गया फिर तो कुछ ही नहीं मिलेगा। आजा तुझे एक पॉलिसी बेचूं जिसमें मरने पे भी मिलेगा और जिंदा पे भी मिलेगा। यहीं पे कृपा अटकती है, यहीं तुम गरीब होते हो और यही तुम्हारी सभी चीजों की जड़ है। अब वो आपको बेचेगा एक लाइफ प्रोडक्ट ऐसा वाला वो पैकेज कि देखो जी सुनो, इसमें प्रीमियम 1,000-2,000 वाला नहीं है, इसमें प्रीमियम थोड़ा ज्यादा आएगा, ये 12,000-15,000-20,000 प्रीमियम, यानी नॉर्मल टर्म प्लान की तुलना में 6 गुना 7 गुना 10 गुना तक प्रीमियम आएगा उसको कवर करने के लिए। जहां 1 करोड़ रुपए मान लो 1,000-2,000 में कवर हो रहा था, वहां 1 करोड़ कवर करने में 15,000-20,000 लगाएगा तुम्हारे। अब जब इतना मोटा प्रीमियम, 6-7 गुना वाला प्रीमियम, तो 6-7 गुना कमीशन, मजे हो गए एजेंट के। तो जो आपका यार है, रिश्तेदार है, बैंक वाला है, वो जिंदगी के हर मौके पे, अच्छा आपकी बेटा पैदा हो गया, इसकी पढ़ाई के लिए पॉलिसी ले लो, ये बच्ची की शादी के लिए पॉलिसी ले लो, घर बनाओगे पॉलिसी ले लो, रिटायरमेंट के लिए पॉलिसी ले लो, अरे सुनो मेरा मार्च का टारगेट पूरा नहीं हुआ पॉलिसी ले लो, अरे मुझे MDRT मिलने वाला है, US घूमने जाएंगे पॉलिसी ले लो। तो कभी आपने सोचा आपके दादाजी पिताजी इतने सालों से इतनी पॉलिसियां ले लेके बैठे हैं, ये अमीर क्यों नहीं हो रहे भाई साहब? कृपा कहाँ अटकी है? आज ध्यान से सुनना, पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। वेल्थ क्रिएट करने का, मोटे पैसे कमाने का रास्ता बड़ा सिंपल है, 3 स्टेप का रास्ता है। पहला, अपनी स्किल से, अपनी मेहनत से पैसे कमाओ। फिर भैया अपनी दिनचर्या को, लाइफस्टाइल को थोड़ा कंट्रोल करके पैसे बचाओ, और उस बचे हुए पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि आपका पैसा बढ़े, सिंपल। लेकिन इन्वेस्ट ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रिटर्न महंगाई से ज्यादा है। कैसे, समझाता हूँ। मान लो आपने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए और अपने खर्चे कंट्रोल करके 1,00,000 रुपए बचाए और 1,00,000 रुपए की FD करा दी, और FD ने आपको 6% की रिटर्न की, 6% की रेट से अब आपका पैसा बढ़ेगा। अब FD आपकी कुछ टाइम में 1,00,000 की 2,00,000 हो गई। आप बोले राहुल जी मजा आ गया, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब आपकी FD 6% की रेट से बढ़ रही थी, उसी समय महंगाई भी 6% की रेट से बढ़ रही थी। तो जब 1,00,000 की FD 2,00,000 हुई तो आपका तो इन्वेस्टमेंट डबल हो गया, लेकिन उसी समय जितने खर्चे आपके 1,00,000 के थे वो भी 2,00,000 हो गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई वेल्थ क्रिएट नहीं हुई। मजा तो तब आता, महंगाई बढ़ती 6 की रेट से और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता 10 की रेट से, 12 की रेट से, 13 की रेट से, तो आप कमाते। तो इन्वेस्टमेंट कहां करना है? जहां पे इन्फ्लेशन बीट हो। इन्फ्लेशन कौन बीट करता है? गोल्ड बीट करता है, स्टॉक मार्केट बीट करता है, रियल एस्टेट बीट करता है, समझदारी से लगाओ तो। ये बैंक में पड़ा रहने से कोई बीट नहीं होता, FD से कुछ नहीं होता, इन गवर्नमेंट पॉलिसी से कुछ नहीं होता, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आज डिस्कशन है, ये इंश्योरेंस वालों से तो बिल्कुल ही नहीं होता। ये जो पॉलिसी है ना, इन बार जाके एजेंट को बोलो कि सर इसमें IRR होती है, रेट और रिटर्न मुझे बता दो, कितना पैसा आप मुझसे कब कब ले रहे हो और कितना पैसा मुझे दोगे, इसका कैलकुलेशन करके बता दो मेरी रिटर्न कितनी आई। ये कभी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगी, ये अपने मुंह से बोलेगा। आप सही सवाल तो पूछो, एकदम सकपका ना जाए तो मुझे कहना। मोटा मोटी 5 से 6 के बीच में रहती है, इन्फ्लेशन को कभी बीट नहीं करती है, और इस इन्वेस्टमेंट के जरिए आपकी दाल रोटी चल सकती है, खर्चे निकल सकते हैं। अमीर होना, वेल्थ क्रिएट करना भूल जाओ। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कराया, मैं साल के 20,000 रुपए दे रहा हूँ, मैंने इस साल 20,000 रुपए दिए, खुद को कवर कर लिया। अब मान लो मेरी जॉब चली गई, मेरे बिजनेस में घाटा लग गया, मेरे पास 20,000 रुपए की व्यवस्था नहीं आई, नहीं हुई तो मैंने इस साल उसको रिन्यू नहीं कराया, नहीं दिया पैसे, कोई बात नहीं, कोई मेरे सर पे बंदूक नहीं रख रहा। लेकिन अगर मैंने इसी को इंश्योरेंस प्लान में लिया होता लाइफ वाले में, तो उस 1 करोड़ के कवरेज के लिए मैं दे रहा होता कम से कम 1 से 1.5 लाख का प्रीमियम, और जिस साल में नहीं दे पाता उस साल भाई साहब वो मेरा जितना अब तक, जैसे मैंने 5 साल पे किया, 6ठे साल नहीं दे पाया तो भैया वो पॉलिसी तो ब्लॉक हो ही गई, और वो 5 साल का निकालने में मेरे को जोर आ जाएगा अभी। और अगर कोई इमरजेंसी होगी कि यार मुझे तो 5 साल वाला पैसा चाहिए, तो सरेंडर वैल्यू पे मिलेगा वो भी आधा पड़ता। तो भैया अगर मुझे पैसा वास्तव में कमाना ही है, 1 करोड़ रुपए का कवर चाहिए, 20,000 का इंश्योरेंस आराम से राजी राजी मुझे दे रहा है, अब मुझे साल के 1,20,000 नहीं देने, वो 1,00,000 रुपए मैं स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा, रियल एस्टेट में लगा दूंगा, गोल्ड ले लूंगा, तो कहीं ज्यादा कमा लूंगा। एक इसमें टेक्निकल इशू आता है, ये जितनी भी आपकी पॉलिसी होती है ये होल लाइफ होती है, मतलब इसमें जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, बोले भाई साहब जब तक आप जिंदा रहोगे पे करते रहो, जब भी आप डेथ होगी आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है, टर्म प्लान में 85 साल तक की एक लिमिट होती है कि 85 साल के बाद नहीं मिलता। जिंदगी में मैंने 25 साल से प्रीमियम देना चालू किया, 60 साल तक प्रीमियम दिया और 85 साल में मेरी कवर हो गई, 86 साल में मर गया तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। सर 86 साल में आप मर भी गए, आपके कौन सा लोन है आपकी जिंदगी में, कौन है आपके पीछे डिपेंडेंट, आपके बेटे पोते सब कमा रहे हैं यार, अब आपको चाहिए ही क्यों। जो अब बात आती है कि भैया इंश्योरेंस लेना तो लेना कैसे, राहुल जी ये तो सिखा दो। वीडियो खत्म होती ही पहला काम ये करना, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो लेना है, और अगर आप इंश्योरेंस ले चुके हैं तो एजेंट को एक बार बुला के बात करो कि भैया क्या है ये वीडियो, बगल में बैठ के दिखाओ
कि बेटा तू ही लाया था समोसा जलेबी, बेटा हिसाब दे, तो अब कैसे खरीदे। अब पॉलिसी खरीदने के लिए आपको हमेशा एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में नीचे क्लिक करके खुद ही 20 से ज्यादा इंश्योरेंस को देख सकते हैं, उनके प्लान समझ सकते हैं और उसमें जो आपको अच्छा लगे वहीं पे खुद ही खरीद सकते हैं। राहुल जी आप पॉलिसी बाजार क्यों रिकमेंड कर रहे हो, उसका बेनिफिट क्या है? तो राहुल जी policybazaar.com पे क्यों जाना है, पहली बात यहाँ पे 20 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियां हैं अलग अलग और सब अपने प्लान लेके आई है, तो आप इन सभी इंश्योरेंस कंपनियों को इनके प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं और जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल हो वो चीज ले सकते हैं। दूसरा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अभी इसमें डायरेक्ट आप खरीद रहे हो तो जो कमीशन एजेंट को जाता है वो नहीं जा रहा, वो थोड़ा सा कमीशन पॉलिसी बाजार को जाता है सीधे सीधे, तो पॉलिसी बाजार उस इंश्योरेंस पे थोड़ा डिस्काउंट करके आपको डिस्काउंट करके कम रेट पे देती है, तो आपको सस्ता भी पड़ता है। कि अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस लेते हो तो 10% का डिस्काउंट आपको और मिलता है, 85 साल तक का कवरेज ले सकते हैं और थोड़ा राइडर वाइडर लगाओगे तो 59 से ज्यादा क्रिटिकल इलनेस इसमें कवर हो जाती है। अब लेना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक लिंक, उस लिंक पे करो क्लिक, पॉलिसी बाजार खुल जाएगा, वहां पे आप अपनी डिटेल डालना चालू करो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ईमानदार रहना है, यहाँ पे झूठ झाट मत बोल देना, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम जिंदगी भर 20 साल तक प्रीमियम देते रहें और जब हमें कुछ हो जाए लेने की बारी आए तब इंश्योरेंस मनाही कर देगी तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेडिक्लेम टर्म प्लान में वो एक चीज पे मानते हैं कि भैया आपने डिटेल सच दी होगी, तो आपने मान लो अपनी एज ऊपर नीचे बता दी, या मान लो उसमें एक सवाल आएगा क्या स्मोकिंग करते हो, तो स्मोकिंग आप बोलोगे ना यस मैं स्मोकिंग करता हूं, तो करते ही आपका थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा देता है। अगर नॉर्मल आपका मान लो 1000 रुपये प्रीमियम आ रहा होगा तो स्मोकिंग करते हो सकता है 1000 का 1100 हो जाए। अब आप स्मार्ट आदमी कि यार 100 रुपये बचाने के लिए लिख देते हैं स्मोकिंग नहीं करते, कौन ही देख रहा है, लेकिन भाई साहब आपने 10 साल तक प्रीमियम किया और क्लेम के टाइम पे पता पड़ गया कि भैया इसकी जांच में ये तो भैया निकोटीन है तो सिगरेट पीता था, क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, झूठ नहीं बोलना है, आपके साथ जो समस्याएं हैं जो बीमारी जो भी आपकी सच्चाई है वो आपको सामने बता देनी है। और जब इस प्लेटफॉर्म पे जाते हो अपनी डिटेल वगैरह डालते हो और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो कस्टमर केयर पे कॉल करके डिस्कस करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और पॉलिसी बाजार की जो एग्जीक्यूटिव टीम है वो आपके घर पे आके विजिट करेगी, प्लान एक्सप्लेन करेगी और आपको डॉक्यूमेंटेशन में मदद भी कर देगी। ठीक है राहुल जी, पॉलिसी बाजार पे चले जाएंगे, वहां तो 25-30 कंपनियां अवेलेबल, उनमें से कौन सी कंपनी का लेना है ये तो बता दो। अब मैं आपको कोई स्पेसिफिक कंपनी रिकमेंड नहीं करूंगा, सारी कंपनियां एक जैसी है, आप अपना रिसर्च कीजिए उसके बेसिस पे जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए। मैं किसी कंपनी को रिकमेंड करूंगा नहीं क्योंकि कंपनी मुझे रिकमेंड करने के पैसे तो देगी नहीं, जिस तरह की मैं वीडियो बनाता हूं इंश्योरेंस कंपनी से तो अपने वैसे ही बन गए हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके माध्यम से करने को क्यों बोल रहा हूं, इसके माध्यम से करोगे हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा सपोर्ट मुझको मिल जाए, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार गड्ढे में गिरने से बचाया तो है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर किया तो है, तो इसके भी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो भाई साहब टर्म प्लान इंश्योरेंस प्लान में मिलता ही क्या है। कंपनी कैसे सेलेक्ट करें, देखो IRDA जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसने इतने स्ट्रिक्ट नियम बना रखे हैं कि कोई अरी-गरी कंपनी तो इंश्योरेंस का काम कर नहीं सकती, तो इसलिए आपके साथ फ्रॉड की संभावनाएं बहुत कम है। आप बस सेलेक्ट करते टाइम एक चीज देख लो कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो काफी समय से बाजार में काम कर रही है, जिसके पास मोटा सारा AUM है, AUM मतलब कितना अभी तक लोगों के साथ काम कर रही है, कितने ज्यादा लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और कितनी बाजार में गुडविल है, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी अगर अभी रिसेंटली आई होगी तो उसके ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आज दुकान खोली कल बंद करके भाग जाए, वैसे IRDA भागने नहीं देगा और कुछ भी होगा तो आपको रक्षा वो करेगा, लेकिन फिर भी जितनी पुरानी कंपनी है उसकी भागने की संभावना है, फ्रॉड की संभावना उतनी कम होती है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो कि भैया जो आप क्लेम आदमी मांगता है तो नंबर वाइज कितने क्लेम मांगे जाते हैं, कितने सिलेक्ट होते हैं, प्लस अमाउंट वाइज, ये दोनों चेक करके आप डिसाइड कर लेना कौन सी आपको ठीक लगती है। तो मेरी नजर में जो भी top 10 कंपनी है, top 10 कंपनी में से किसी कंपनी में लो, मोटा मोटी एक ही बात है जो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल डाल दोगे आपका प्रीमियम निकल के आ जाएगा कि भैया ये आपका प्रीमियम बनता है, पेमेंट के लिए आगे बढ़ू। फिर दो तीन ऑप्शन आएंगे, एक एक करके ध्यान से सुनना किस ऑप्शन का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन आएगा रेगुलर टर्म प्लान, जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने मेरी एज डाली 32 साल और 85 साल वाले प्लान के लिए अप्लाई किया तो मेरा जो प्रीमियम निकल के आया हुआ है 23,456 रुपए। अब मैं इस पे क्लिक करके अगर इसका पेमेंट कर देता हूं तो सीधी सी बात है मेरे को 23,456 रुपए हर साल देने हैं और अगर मुझे कुछ हो गया तो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मुझे मिल जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो ये पैसे लगते जाएंगे, बात खत्म। दूसरा मेरे पास ऑप्शन आता है लिमिटेड पे, वो ये कह रहा है कि देखो जी ऐसा है, तुम राहुल मालोदिया जी 32 साल की उम्र से देना चालू कर रहे हो, 85 तक दोगे 53 साल दोगे, क्यों देते हो 53 साल, एक काम करो तुम तो बस 10 साल ही दो, 10 साल देना उसके बाद बंद कर देना, 85 साल तक कवर करने की जिम्मेदारी हमारी। मैं बोलूँगा भैया इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो मेरे पे, वो कह रहे नहीं मेहरबान नहीं है, थोड़ा सा आपका प्रीमियम बढ़ा देंगे, ये जो आपके पैसे हम ले रहे थे ना 23,000 रुपये, अब 23,000 नहीं लेंगे 59,484 लेंगे, तो थोड़े से पैसे आपके बढ़ा देते हैं लेकिन 53 साल की जगह 10 साल देना है। अब आप सोचोगे अपनी बुद्धि लगाओगे, बोला ये काम सही हो गया,
थोड़े 10 साल तक देना है, बाकी 43 साल मजे ही मजे हैं। इस वाले ऑप्शन पे जाना नहीं है अपने को। हमको शुरुआत में क्या करना है, सस्ते से सस्ता प्रीमियम लेना है। भैया तुम क्या कर रहे हो, 23,000 मेरे से ले रहे हो, अब 60 मांग रहे हो ना, मैं तो 23,000 ही देने को तैयार हूँ। जो 23,60 का 37,000 डिफरेंस है ना, उसके अगर मैं SIP करा दूंगा ना किसी ढंग की जगह, तो वो ज्यादा रिटर्न दे देगा मुझे। मैं तुमको कहे दूं, इंश्योरेंस कंपनी एक और प्लान देती है, रिटर्न ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्लान। तो मैं ना जो प्रीमियम तुम्हारा आ रहा ना 20-25,000 रुपए, ये मत करो, प्रीमियम थोड़ा डबल ट्रिपल चार गुना दे दो। इसका बेनिफिट क्या है कि मान लो तुम्हारा 65 साल तक का प्लान है, 65 साल तक तुम इसको पेमेंट करो, 65वें साल तक अगर तुम्हें लगा कि अरे मैं तुम्हारा ही नहीं, तो ये जितना भी प्रीमियम तुमने दिया है इसमें से GST काट के तुमको वापस दे देंगे। और बोलोगे से इसमें तो मजा आ गया, अगर मर जाता हूँ तो फायदा मिल जाएगा और नहीं मरा तो सारे पैसे वापस, मजा ही मजा है। नहीं, बेवकूफी है। क्यों? ये वो वाली बात हो गई कि देखो ऐसा है, मेरे से हर महीने 1-1 लाख रुपए ले लो और 30 साल बाद 30 लाख वापस दे देना। भैया तुम्हें हुआ क्या, तुमने आज का 1 लाख रुपए दिया और बाद में 30 लाख की उसकी वैल्यू क्या है? पूरा प्लान समझो, बेसिक से जीवन में नहीं हिलना। बेसिक है, हमको इंश्योरेंस कराना है सस्ते से सस्ता। तो जब इस पे क्लिक करके आप पेमेंट करने आगे जाएंगे, ये आपसे कुछ राइडर्स भी पूछेगा। राइडर्स क्या होता है, कुछ एडिशनल बेनिफिट होते हैं। चार इंपॉर्टेंट राइडर के बारे में आपको बताता हूं। एक पहला राइडर होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। इसके कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेता है और ये कहता है भैया अगर तुम्हारी एक्सीडेंट से डेथ हो गई तो जितना तुम्हारा पॉलिसी अमाउंट है वो तो देंगे ही देंगे, उसके अलावा एडिशनल अमाउंट और आपको मिलेगा। तो मान लो 1 करोड़ रुपए की आपने वैसे टर्म प्लान कर रखा है और एक्सीडेंटल डेथ का राइडर ले लिया, और एक्सीडेंट से डेथ हो गई तो आपको 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ मिल जाएगा। सेकंड होता है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, कि भैया एक्सीडेंट से तुम्हारी मौत तो नहीं हुई पर डिसेबल हो गए, हार्ट कट गया, पैर कट गया, अब काम नहीं कर पा रहे, व्हील चेयर पे आ गए, ऐसी कोई भी स्थिति आती है उस केस में कहते हैं एक फिक्स अमाउंट आपको अलग से मिल जाएगा। इसके भी ऑब्वियसली थोड़े से अलग से पैसे लेगा, लेकिन ये एडिशनल कवर अपने लिए होता है। तीसरा एक राइडर होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। कुछ बीमारियों की इन्होंने लिस्ट दे रखी है, लगभग 50-60 बीमारियां होती है, इनमें से अगर कोई भी बीमारी आपको हो गई तो एक मुश्त आपको पेमेंट मिल जाएगा इलाज कराने के लिए, वो भी पहले से स्पेसिफाई होता है, उसके भी थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। और एक फाइनली आता है इनकम बेनिफिट राइडर, कि भैया अगर मान लो तुम्हारे को बेड रिडन हो गए, 5 महीने 6 महीने साल भर काम नहीं कर पा रहे, तो उस समय जो आपकी इनकम आती थी वो इनकम भी आपको मंथली बेसिस पे ये दे देंगे, इसका भी राइडर होता है। अब जैसे ही इनमें से कोई भी राइडर सिलेक्ट करके आप पेमेंट के लिए जाएंगे, ये आपसे पूछेगा कि भैया अगर आपको कुछ हो गया तो ये देना कैसे है। एक ऑप्शन देगा, अब मान लो आपका 1 करोड़ का टर्म है, डायरेक्ट 1 करोड़ दे दें। दूसरा ऑप्शन आएगा कि 50 लाख तुरंत ले लेना, बाकी टुकड़ों में पैसे ले लेना। तीसरा आएगा, सुनो 80-90 हजार रुपए की फिक्स किस्त है, वो 10 साल में टुकड़ों में ले लेना। तो अगर मान लो आपको लगता है कि आपके पीछे से आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो फैमिली है, वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और एक बार में 1 करोड़ रुपए अमाउंट उनके हाथ में आ गया तो हो सकता है कि उनका गलत फायदा ना उठा ले या उनको उसका यूज करना नहीं आएगा, तो आप उसमें मिक्स ऑप्शन पे या उस वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। बट जहां भी आपको लगता है पढ़े लिखे सब समझदार लोग हैं, तो बेस्ट ऑप्शन हमेशा होता है वन शॉट में पैसा ले लेना। और इसको पेमेंट करने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई लोग क्या करते हैं पॉलिसी ले लेते हैं, किसी को बताते नहीं है। ऑन एन एवरेज आज की रेट में 7,70,00,000 से ज्यादा ऐसी पॉलिसियां पड़ी है जो अनक्लेम्ड है। 20-22 हजार करोड़ का अमाउंट ऐसा है कि लोगों ने पॉलिसी ली और मर गए और घर वालों को बता के ही नहीं गए, घर वालों को पता ही नहीं कि पॉलिसी है। किसी को पता है पॉलिसी है पर कहां पॉलिसी है, कहां नंबर है, किसको कराई थी, कौन डॉक्यूमेंट है, कुछ नहीं पता। तो भैया ये पॉलिसी कराने के बाद अपनी वाइफ को, अपने डिपेंडेंट को, अपने बच्चों को बताना कि भैया ये पॉलिसी कराई है, इस कंपनी से कराई है, ये इसका डॉक्यूमेंट है, और वो सारी चीजें संभला के जाना ताकि कल को कुछ हो जाए तो ऐसी स्थिति में उनके पास सुविधा रहे। आई होप आपको इंश्योरेंस में बहुत सारी वैल्यू मिली होगी, आपको पता पड़ा होगा कौन सी पॉलिसी नहीं करानी है, कौन सी पॉलिसी करानी है। और बिजनेस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, अब धीरे धीरे मैं फाइनेंस फील्ड में एंटर कर रहा हूं और फाइनेंस फील्ड में ये मेरा पहला वीडियो है। अब इस वीडियो को आप जितना ज्यादा प्यार दोगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा फाइनेंस फील्ड में उतरने का। और अगर इस वीडियो को इनफ प्यार मिला तो भैया अभी तो टर्म प्लान पे बात हुई है, अभी इंश्योरेंस प्रीमियम की बहुत सारी इंश्योरेंस की पोल खोलेंगे, होम लोन पे बात करेंगे, पर्सनल लोन पे बात करेंगे, स्टॉक पे बात करेंगे, म्यूचुअल फंड पे बात करेंगे, गोल्ड पे करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे करेंगे, जितने भी राज हैं सब खोल के बाजार में रख देंगे। लेकिन इस वीडियो को प्यार मिलना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Check.